हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप मेरी जितनी ज़्यादा स्टोरीज़ को पसंद करोगे और जितना ज़्यादा लाइक्स आएंगे, मैं उतनी ही जल्दी जल्दी आपके लिए अमेजिंग स्टोरीज़ लेकर आऊँगी। क्योंकि मैंने कुछ स्टोरीज़ बुक्स ख़रीदी हैं और मैं और भी ख़रीदूँगी अगर आप जो है मेरी स्टोरीज़ को पसंद करेंगे। तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर आऊँगी विद ग्रेट मोटिवेशनल वैल्यू। तो ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, फॉक्स है और मंकी है, और मंकी जो है वो ट्रैप में फंसा हुआ है। तो देखते हैं इस स्टोरी का जो है टाइटल क्या है, द ट्रैप ऑफ द फॉक्स। तो ये जो स्टोरी है इसका टाइटल है द ट्रैप ऑफ द फॉक्स। आइए इसको रीड करें। व्हेन इट वॉज टाइम टू इलेक्ट देयर न्यू किंग, जब नए किंग को नियुक्त करने का टाइम हुआ, द एनिमल्स इलेक्टेड द मंकी टू दिस ऑल पावरफुल पोजिशन। तो एनिमल्स ने क्या किया कि मंकी को इलेक्ट कर दिया किंग के लिए, और ये पावरफुल पोजीशन जो है उसको दे दी। बिकॉज ऑफ हिज एंटिक्स, क्योंकि वो काफ़ी अद्भुत था, काफ़ी जो है एनिमल्स को वो पसंद आता था। तो एनिमल्स को लगा कि ये जो है किंगडम अच्छी तरह से संभाल पाएगा। द फॉक्स वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड एंड वेटेड फॉर ए चांस। इस पर जो फॉक्स थी, जो लोमड़ी थी, वो काफ़ी निराश हुई और वो वेट करने लगी एक ऐसे चांस के लिए जिसमें वो प्रूफ कर पाए कि जो मंकी है वो राइट किंग नहीं है, और राइट किंग जो है वो फॉक्स को बनना चाहिए। वन डे द फॉक्स फाउंड ए डिलीशियस फ्रूट लाइंग इन इट्स वे। एक दिन फॉक्स ने देखा कि बहुत ही टेस्टी फ्रूट उसके रास्ते में पड़ा हुआ था। शी वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज ए ट्रैप। लेकिन वो बहुत जल्दी समझ गई कि रास्ते में इतना टेस्टी फ्रूट का पड़ा होना कुछ नहीं है एक जाल के अलावा, कोई हमें फंसाना चाह रहा है। शी वेंट टू द मंकी किंग एंड टोल्ड हिम अबाउट द प्लेस वेयर फ्रूट वॉज लाइंग। तो वो मंकी किंग के पास गई और उसको उसने बताया उस प्लेस के बारे में जहाँ फ्रूट पड़ा हुआ था। द ग्रीडी मंकी किंग हैस्टिली रीच्ड द स्पॉट एंड पिक्ड द फ्रूट बट वॉज ट्रैप्ड इन द नेट। अब जो लालची मंकी था वो फटाफट से उस प्लेस पर पहुंचा जहाँ पे फ्रूट रखा था, उसने उस फ्रूट को उठाया, लेकिन वहाँ पे ट्रैप था नेट का, और उसमें ऑब्वियस है मंकी फंस गया। जैसे देखो इस पिक्चर में फंस गया वो ट्रैप में, देख सकते हैं आप। द फॉक्स लाफ्ड एंड सैड। इस पर लोमड़ी हंसी और बोली, योर एंटिक्स मे अम्यूज द एनिमल्स, कि तुम्हारे जो एंटिक्स हैं एनिमल्स को हैरान कर सकते हैं, एनिमल्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। बेटर सिट ऑन द ट्रीज ओनली एंड नॉट ऑन द थ्रोन। तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम सिर्फ ट्रीज पर बैठो, अपने एंटिक्स दिखाओ, लेकिन सिंहासन पर बैठने की तुम्हारी जो है तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो। तो देखो ये जो मंकी है वो फॉक्स के ट्रैप में फंस गया, और ये प्रूव हो गया कि जो मंकी है वो एक अच्छा किंग नहीं है। तो आइए स्टोरी को दोबारा से रीड करें। द ट्रैप ऑफ द फॉक्स। When it was time to elect their new king, the animals elected the monkey to this all-powerful position because of his antics. The fox was very much disappointed and waited for a chance. One day, the fox found a delicious fruit lying in its way. She was quick to understand that it was a trap. She went to the monkey king and told him about the place where fruit was lying. The greedy monkey king hastily reached the spot and picked the fruit but was trapped in the net. The fox laughed and said, "Your antics may amuse the animals. Better sit on the trees only and not on the throne." तो इससे पता चलता है कि जो राजा है वो एकदम मतलब राइट एंड नॉलेजेबल तरीके से चूज़ किया जाना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे एनिमल्स को लगा कि मंकी काफ़ी एंटिक है और उन्होंने उसको चूज़ करा, जबकि फॉक्स ने प्रूव करा कि जो मंकी है वो राजा बनने के लायक नहीं है। तो इसी तरह से वोटिंग ने अगर अपना कोई आपको राजा चुनना है, या फिर अपने कोई MLA, जैसे अगर आज की जनरेशन में देखा जाए MLA PM कुछ नियुक्त करवाने हैं, तो अगर आपको वोटिंग का हक है तो वोटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी राजा बना दें। सोच समझ के वोटिंग कीजिए और एलिजिबल कैंडिडेट को ही
एक परफेक्ट पोजीशन दीजिए। तो यही इसका मोरल है। आई एम डैम श्योर कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, एंड अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक आए तो मैं नेक्स्ट स्टोरी आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।